हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनन सचसेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे आज। जैसा कि चैप्टर के नेम में ही है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक क्या है? टू कलेक्ट द नंबर्स, नंबर्स को कलेक्ट करना, सो दैट विच कैन बी यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। तो स्टैटिस्टिक क्या है? टू कलेक्ट नंबर्स डेट हैव बीन यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। अगर हमने किसी नंबर्स को कलेक्ट किया और किसी चीज के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, उस चीज में वो यूज हुआ, तो डेट इज स्टैटिस्टिक्स। डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन, क्लियर? अब जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो टू टाइप्स का होता है। स्टैटिस्टिकल डेटा इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी डेटा कौन सा है? द डेटा विच एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। द डेटा विच एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इटसेल्फ। जो भी उस डेटा के बारे में फाइंड कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, अगर वो पर्सन खुद उस डेटा को कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर, तो वो डेटा को कहा जाता है प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कौन सा डेटा है? द डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। मान लो आपने जैसे रिजल्ट ऑफ इलेक्शन देखा, आपने टेलीविजन पे देखा, वो डेटा आपका डेटा नहीं है, आपने खुद कलेक्ट नहीं किया है। अगर आप किसी तीसरे पर्सन को बता रहे हो कि हाँ जी इस स्टेट में इतने नंबर ऑफ सीट्स ये पार्टी जीती है, दूसरे में ये जीती है, तो वो डेटा आपका नहीं। आपने कहाँ से लिया? पब्लिश सोर्सेज से, या आपने कोई बुक में से डेटा ले लिया, उसको आप आगे यूज कर रहे हो, तो डेट इज द सेकेंडरी डेटा, जो आपने खुद आपने कलेक्ट नहीं किया है, बल्कि वो डेटा किसी पब्लिश्ड या अनपब्लिश सोर्सेज से लिया है, क्लियर? उसके बाद अब हमारे पास डेटा आ गया, तो अब डेटा को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मान लो जो भी डेटा आपके पास आ गया, आपने उसको लिख दिया अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, या आपने उस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ताकि इजिली हम देख सके डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख दिया। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, हर एक स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर रोल नंबर दिया गया है। अगर मैम आपकी अटेंडेंस लेती है, जो रजिस्टर में नाम लिखे गए हैं वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं। मान लो कोई टीचर बाहर से आता है और आपसे पूछता है कि इस बच्चे का रोल नंबर क्या है, जब मैम दूसरा कोई टीचर उसे बुला रहा है तो क्या करेगी? तो अगर कोई न्यू टीचर है, उसे आपका नाम नहीं पता, तो वो क्या करेंगे? रजिस्टर में चेक करेंगे, अटेंडेंस रजिस्टर में नेम का फर्स्ट अल्फाबेट देखेंगे और रोल नंबर, या हो सकता है उन्होंने रोल नंबर बताया, इस रोल नंबर को भेज दो। अब मैम को नहीं भी याद कि ये रोल नंबर किसका है, तो कैसे देखेंगे? अटेंडेंस रजिस्टर में रोल नंबर देखा और उसके सामने बच्चे का नाम लिखा है, तो उस बच्चे को भेज सकते हैं। तो क्लियर? जो डेटा को अरेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डेटा अरेंज नहीं होगा, आपके रोल नंबर्स भी कोई रोल नंबर सीरियल ऑर्डर में है, लेकिन नेम अल्फाबेटिकली नहीं लिखे, कोई भी आगे पीछे नेम लिखा है, तो उसे ढूंढने में भी मुश्किल होगी। तो अगर वो डेटा अरेंज्ड फॉर्म में है, तो कोई भी पर्सन उसको देखेगा तो वो इजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द वैल्यू डेट रिपीट्स, कि कितने डेट रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, या कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऐसी वैल्यू है जो कि रिपीट होती है। नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन रिपीट्स। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन रिपीट्स।
जैसे आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में मार्क्स बताए गए हैं कि किसी के 50 है, किसी के 60 है, किसी के 70 है, अगले बच्चे के 60 है, देन अगेन 70, 80, 55, 63, 70 एंड 80. तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन रिपीट, कोई ऑब्जर्वेशन कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग 60 मार्क्स इज 2, कि 60, दो बच्चे ऐसे हैं जिनके 60 मार्क्स आ रहे हैं. 70 मार्क्स कितने आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3, तीन बच्चे ऐसे हैं जिनके 70 मार्क्स आ रहे हैं. तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन रिपीट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. यहां तक क्लियर, यहां तक नोट करें. नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमारे फ्रीक्वेंसी तो पता है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is the method to represent the raw data so that one can easily understand from that. कि कोई भी raw data, मान लो हमने कोई information collect की, अगर हम उसको frequency distribution table की form में represent कर देंगे तो कोई भी person उसको देख के easily उस data को समझ सकेगा. तो frequency distribution या frequency distribution table is the method to represent the raw data in such a form that one can easily understand, कि जो कोई भी easily understand कर सके. अब frequency distribution जो है discrete भी हो सकता है और continuous भी हो सकता है. continuous या हम कहें grouped frequency distribution. discrete में मान लो हमारे पास कोई भी number of marks दिए out of 10, स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 10, अगर मुझे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी. मार्क्स गिवन है तो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी. मार्क्स कौन कौन से आ रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब 2 कितने परसेंट के मार्क्स है स्टूडेंट्स के, 1. 3 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 1. 4 भी 1 स्टूडेंट के है, 5. 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 6. 1 स्टूडेंट के हैं, 7 2 के हैं, 8 भी 2 के हैं. 10 स्टूडेंट के मार्क्स थे तो ये टोटल हमेशा फ्रीक्वेंसी का वही आएगा जो गिवन होगा, क्योंकि ये 10 स्टूडेंट के मार्क्स थे तो टोटल फ्रीक्वेंसी 10 ही आएगी. ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 10 इन अ यूनिट टेस्ट या कोई भी टेस्ट हुआ क्लास में, तो हमें मार्क्स पता है कितने कितने आए हैं और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. अगर अब हमारे पास कॉन्टिन्यूस या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तब, जब हमारे पास जो डेटा है वो लार्ज है, अगर डेटा लार्ज है, अगर इसी फॉर्म में दी है तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे. अभी ये तो छोटी छोटी टर्म्स थी, सिर्फ 10 टर्म्स थी. मान लो आपको 50 टर्म्स दी हूं तो आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में रेंज करने और उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी लेस है. क्लियर. नाउ कॉन्टिन्यूस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, इसमें हमें गिवन होता है क्लास इंटरवल और फिर फ्रीक्वेंसी. मान लो इसमें भी स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. 50 मार्क्स का कोई यूनिट टेस्ट हुआ है, 50 स्टूडेंट्स अगर क्लास में है, हमें मार्क्स गिवन है कि 0 से लेके 10, क्योंकि 10 यहाँ भी इंक्लूडेड है तो फर्स्ट इंटरवल में 0 से 9 तक मार्क्स आएंगे. मान लो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 0 to 9 मार्क्स है. नाउ 10 to 19, 10 टू 19 है 5 स्टूडेंट्स के. नाउ 20 टू 30, 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स है. क्लियर. नाउ 30 टू 40, 10 के मार्क्स है. 5, 10, 20, 35 और 40 टू 15 है 50 स्टूडेंट्स के. टोटल स्टूडेंट्स थे 50. तो ये हो गया हमारे पास
कॉन्टिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जो इसमें क्लास इंटरवल्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, क्लास इंटरवल्स या तो इंक्लूसिव होंगे या एक्सक्लूसिव होंगे, या एक्सक्लूसिव होंगे। जैसे मान लो क्लास इंटरवल है 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, इस तरह से क्लास इंटरवल गिवन है। तो ये है एक्सक्लूसिव, मींस ये वाली जो इसकी लास्ट टर्म है एक्सक्लूसिव है कि वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो हम 30 to 34 तक देखते हैं। जो नेक्स्ट इंटरवल है जहां पे फर्स्ट इंटरवल खत्म होगा, सक्सीडिंग क्लास वहीं से स्टार्ट होगी, या हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो फर्स्ट इंटरवल का अपर लिमिट और उसके सक्सीडिंग इंटरवल की लोअर लिमिट सेम होगी। अगर इंक्लूसिव होता है मान लो 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, इस तरह से डेटा है हमारे पास, तो ये कौन से इंटरवल्स हो गए? इंक्लूसिव इंटरवल। यहाँ तो 34 तक खत्म हो रहा है लेकिन नेक्स्ट जो है 35 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी डेटा इंक्लूसिव हो तो सबसे पहले हमें उसे एक्सक्लूसिव बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करेंगे और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस करेंगे। दिस इज द लोअर लिमिट जो फर्स्ट है, और जो ये पीछे वाली है डेट इज द अपर लिमिट। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। अब 0.5 ही क्यों प्लस या माइनस कर रहे हैं, तो हम डिस्टेंस देखेंगे बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सेसिव क्लास इंटरवल। 34 और 35 में डिफरेंस है 1, इसका हाफ करेंगे डिफरेंस का 0.5, तो इसलिए लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, सो दैट जो क्लास इंटरवल्स हैं एक्सक्लूसिव टाइप के आ जाए। तो अगर हमने इसमें से माइनस किया तो चेक करते हैं, 29.5 टू 34.5, 34.5 टू 39.5, 39.5 टू 44.5, 44.5 टू 50.5, क्लियर। अब देखो यहाँ पे डेटा खत्म हो रहा है, फर्स्ट जो इंटरवल खत्म हो रहा है, अपर लिमिट है वो दूसरे की लोअर लिमिट है। अब यहाँ तक एक बार दोबारा से बता रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे ग्राफ्स के। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेटिस्टिक क्या है, इज टू कलेक्ट द नंबर्स दैट हैव बीन यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। नंबर्स को कलेक्ट करना सो दैट किसी इंफॉर्मेशन देने के लिए वो नंबर्स यूज हो सके। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। स्टेटिस्टिकल डेटा टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो इन्वेस्टिगेटर इटसेल्फ कलेक्ट करता है बाय अ डेफिनेट प्लान इन हिज और हर माइंड। अगर आपने सोचा कि आपको लिटरेसी रेट पे डेटा चाहिए तो आप लिटरेसी रेट पे कलेक्ट करोगे। अगर आपने सोचा पॉपुलेशन पे चाहिए तो पॉपुलेशन पे कलेक्ट करोगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल चाहिए तो वही कलेक्ट करोगे। ये नहीं आपको चाहिए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल और आप किसी दूसरे स्कूल से कलेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं, कि एक डेफिनेट प्लान आपके माइंड में होना चाहिए कि किस चीज पे हमें डाटा चाहिए। उसके बाद है सेकेंडरी डाटा, जो आपने खुद कलेक्ट नहीं किया, किसी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स के थ्रू लिया है, दैट इज द सेकेंडरी डाटा। अब हमारे पास डाटा आ गया, डाटा मींस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आ गई। अब उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट भी तो करना है, अगर आपने किसी को बताना है तो कैसे बताओगे? अब बताओगे हाँ जी इसमें इस क्लास में इतने स्टूडेंट है, इतने स्टूडेंट है, इतने स्टूडेंट है, या एक बार बता दिया कि हाँ जी स्कूल में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लेकिन उसने अगर ये पूछ लिया कि इस क्लास में कितने हैं या कौन कितने बच्चे हैं जिनका नाम इस अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट से, तो उस डेटा को अरेंज करना भी बहुत जरूरी है। आप डेटा को अरेंज कर सकते हो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब उसके बाद डेटा को अरेंज भी कर दिया, अब कई टर्म्स ऐसी होंगी, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके नाम सेम है, चाहे वो एक क्लास में चाहे दूसरे क्लास में, एक सेक्शन में भी दो बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं। तो उस डेटा को कि फ्रीक्वेंसी की कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई पर्टिकुलर नेम है, तो वो हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स रिपीट होती है।
हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिपीट्स इज द फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी भी आ गई. अब फ्रीक्वेंसी को इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करें कि हर कोई उसको इजिली समझ सके, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब फ्रीक्वेंसी दो तरह की हो सकती है, डिस्क्रीट भी कॉन्टिन्यूस भी. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मान लो थी तो हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी, तो हम पूछे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 8 है, तो 2 स्टूडेंट्स हैं. कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि जिनके मार्क्स मिनिमम है, तो 1 स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 2 है. तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा तो हम क्वेश्चंस के आंसर इजिली दे पाएंगे, उस डेटा को इजिली समझ सकेंगे. उसके बाद है कॉन्टिन्यूस या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें क्लास इंटरवल्स होंगे और फ्रीक्वेंसी कि 0 से लेकर 9 तक मार्क्स आए ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं, 10 से लेकर 19 तक मार्क्स आए ऐसे 55 स्टूडेंट्स हैं एंड सो ऑन. अब जो क्लास इंटरवल है वो इंक्लूसिव भी हो सकते हैं, एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं. अगर क्लास इंटरवल इंक्लूसिव है उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस अपर लिमिट में 0.5 ऐड करके. 0.5 भी क्यों आइडिया से प्रैक्ट किया, क्योंकि डिफरेंस देखेंगे अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ सक्सेसिव क्लास इंटरवल 35 माइनस 34 1 और उसका हाफ लेंगे. अब रेंज क्या है, रेंज इज द हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. रेंज इज द हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. मान लो मैं पूछा इसका क्लास साइज क्या है, 35 माइनस 35, तो क्लास साइज इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहां तक नोट कीजिए.